दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पूछता रहा मगर मोदी सरकार चुप्पी साधे खड़ी रही। मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछता रहा कि जो नफरती डिबेट्स या जो नफरती पत्रकारिता न्यूज चैनल्स में होती है इस पर आप खामोश क्यों हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट का सहयोग देना चाहिए मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार खामोश रही। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई मिसालें आई हैं जहां नफरती न्यूज चैनल्स के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार खड़े हुए दिखाई दी है। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। इसलिए आज यह अहम सवाल आपके सामने, क्या नफरत के खेल में ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखाई देता है? दोस्तों कल यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मगर उससे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा उन न्यूज चैनल्स का जो पिछले 8 सालों से समाज की नसों में जहर उड़ेल रहे हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह डिबेट देखिए जो कहता है इस्लाम सिखाता है लव जिहाद का खेल, यानी कि पूरे इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को इसके घेरे में ले लिया। अभी दूसरा वीडियो देखिए, यहां पर ये एंकर जो है अलग अलग किस्म के जिहाद बता रहा है और आप जानते हैं पूरा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर किया गया था, इसमें किसी भी तरह की कोई पत्रकारिता, कोई रिसर्च, कहीं कुछ नहीं था। अब ये न्यूज चैनल देखिए, जन्मभूमि हमारी राम हमारी मस्जिद वाले कहां से पधारे। आप जानते हैं ये कार्यक्रम राम मंदिर पर आने वाले फैसले से पहले किया गया था। ये तमाम कार्यक्रम होते रहे, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई देती रही मगर बीजेपी सरकार खामोश रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत अहम बातें रखी हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा है, आपका पक्ष क्या है, आपने अब तक काउंटर एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया, भारत सरकार का पक्ष क्या है, भारत सरकार खामोश क्यों बनी हुई है, इतना कुछ हो रहा है फिर भी खामोशी, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, बर्दाश्त देश को करना पड़ रहा है, आजाद मीडिया के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता मगर यह जरूरी है कि आजादी सही मायने में हो, सरकार को आगे आना चाहिए और विरोधी तेवर नहीं अपनाने चाहिए, सहयोग करना चाहिए, आपको यह कहना चाहिए कि हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है ताकि नफरती पत्रकारिता के खिलाफ कार्रवाई होगी और सब सहयोग देंगे, इससे भारत सरकार को कैसे दिक्कत हो सकती है। आप जानते हैं मोदी सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, हमने एक ऐसा सिस्टम कायम किया है जिसके जरिए चैनलों पर दंड लगाया जाएगा। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने 4000 आदेश पारित कर दिए मगर उसका क्या असर हुआ। दोस्तों आदेश पारित करना तो बहुत दूर की बात है, दंड लगाना बहुत दूर की बात है। मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। आपको न्यूज 18 वाला वो एंकर याद है, उसने एक कार्यक्रम किया था जिसमें उसने ये झूठी खबर चलाई थी कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसी के बदले में राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर जो है एक कई 100 साल पुराना मंदिर जो है वो गिरा दिया गया। खबर सरासर झूठी, उस फैसले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ था मगर उसने झूठी खबर चलाई। आप जानते हैं जब राजस्थान पुलिस न्यूज 18 की उस एंकर से पूछताछ करने गई थी तब उसे बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया दोस्तों, उनकी पुलिस ने किया। यही नहीं, ऐसी ढेरों मिसालें सामने आई हैं आपके सामने। नुपुर शर्मा, मुझे बताइए ना, नुपुर शर्मा ने क्या अब तक जेल यात्रा की? जेल यात्रा तो बहुत दूर की बात है, कहीं आपने सुना इनसे कोई पूछताछ हुई? आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया, यानी कि खुद बीजेपी उन्हें गुनाहगार मानती है। आज तक नुपुर शर्मा से पूछताछ नहीं हुई और फिर यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कहती है कि हम न्यूज चैनल्स पर दंड लगाएंगे, हम न्यूज चैनल्स पर एक्शन लेंगे। इससे बड़ा मजाक आखिर हो क्या सकता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट अब जाकर ये बातें कह तो रही है मगर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें सिर्फ कहने लायक नहीं होंगी, इस पर अमल भी किया जाएगा। मैं आपको कुछ और मिसाल देता हूं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ये पड़ताल सामने उभर कर आई है और ये पता चला है
कि सिर्फ भारत से, जी हां सिर्फ भारत से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ 55% ट्वीट्स आते हैं। करीब 4,00,000 ट्वीट्स का मुआयना किया गया और उसमें पता चला कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ 55% ट्वीट्स सिर्फ भारत से आते हैं। और अगर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को मिलाए जाए तो 85% प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ इन तीन देशों से निकलकर आता है। यह वो देश है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जहां मुस्लिम लड़कियों, पत्रकारों, पायलट्स, समाज सेविकाओं, उन्हें ऑनलाइन उनकी बोली लगाई गई थी, उनकी नीलामी की गई थी, उनके चेहरे सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए तमाम वेबसाइट्स पर लगाए गए थे और उनकी बोली लगाई गई थी। मैं नहीं भूला हूं कि इनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया था और उसके पिता ने कहा था कि ये दिन भर गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स देखते रहता है और अपने लैपटॉप पर लगा रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो आदमी जहरीले न्यूज चैनल्स देखता था, उसके दिमाग में वो कचरा भर गया था और फिर वही कचरा उसे ऑनलाइन भी मिलता है। इसलिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ये चिंता जतला रही है। मगर सबसे शॉकिंग है इस मुद्दे पर इस सरकार की खामोशी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। अभी एक या दो दिन पहले एक छुटभैये न्यूज चैनल का बेढंगा एंकर उड़ीसा चला गया। वहां पर वो दारा सिंह के पक्ष में आंदोलन कर रहा था। कौन दारा सिंह? जिसने ईसाई मिशनरी ग्रैहम स्टेन्स को जिंदा जला दिया था। न सिर्फ ईसाई मिशनरी ग्रैहम स्टेन्स को बल्कि उसके दो मासूम बच्चों को भी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ईसाई मिशनरियों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, आपके मतभेद हो सकते हैं, मगर जिंदा जला देना, और उसे आपने जिंदा जलाया, उसके बच्चों को भी आपने जिंदा जला दिया गया, और अब वो एंकर या वो पत्रकार जो है दारा सिंह के पक्ष में आंदोलन कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं कि एक अपराधी जिसे अदालत अपराधी करार दे चुकी है, जिसने बेरहमी से दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, वो हिंदू धर्म का नुमाइंदा कैसे हो सकता है? उससे हिंदू धर्म की आन बान शान कैसे ऊंची उठ सकती है? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कह सकते हैं कि वो एंकर एक छुटभैया एंकर है। बात सही कहा आपने, छुटभैया एंकर, मगर वो छुटभैया एंकर हमारे प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे एंकर्स के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ सेल्फी खिंचवाइए, उसका कोई शौक नहीं है मुझे। मिलिए मुझसे, बात कीजिए मुझसे, मैं आपको बतलाऊंगा कि देश में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि आखिरकार आपको त्वरित चुनावी फायदा मिल जाएगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप देश को अराजक बना देना चाहते हैं, देश को ही आप शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर देना चाहते हैं, तो उस पर राज करके कीजिएगा क्या, करिएगा क्या, बताइए। दोस्तों, आप कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी और मेरे उस दोस्त ने कहा कि देखिए, इन नफरती न्यूज चैनल्स में जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब आप इस देश की माइनॉरिटी पर हमला करते हैं, यानी कि दलितों और सिखों के बारे में गंदा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो इसका नुकसान आपको कनाडा जैसे देशों में हो सकता है या मध्य पूर्व में हो सकता है, जहां बहुत से इस्लामिक देश हैं। मैंने उससे पलटकर कहा कि मेरे इस देश की नागरिक की अहमियत इस बात को लेकर नहीं है कि मेरे देश का धंधा एक दूसरे देश में बिगड़ जाएगा। मैं मानता हूं कि नुपुर शर्मा पर इन्होंने एक्शन सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि मध्य पूर्व में रिलायंस, अडानी और रामदेव का धंधा बर्बाद हो रहा था। नहीं, मगर इस देश के सिख, इस देश के मुसलमान, इस देश के नागरिक हैं, आपके और मेरी तरह, मैं जो एक हिंदू हूं, एक ब्राह्मण हूं, मेरी तरह वो इस देश के नागरिक हैं। उनको इस बात से नहीं आंका जा सकता कि मध्य पूर्व में आपका क्या नुकसान हो रहा है या कनाडा में आपका क्या नुकसान हो रहा है। वो एक इंसान है और उनके साथ एक इंसानी बर्ताव किया जाएगा। कितनी शर्मनाक सोच है अगर हम ये सोचते हैं कि साहब हमारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। मगर आज जरूरी हो जाता है हम खुद से सवाल पूछें कि इसका समाधान क्या हो। बहुत जरूरी हो जाता है कि जो न्यूज एंकर्स अपने घर जाते हैं, जो अपने प्राइम टाइम में जहर परोसते हैं, उनके अपने बच्चे उन्हें शर्मिंदा करें, उनके अपने बच्चे उनसे सवाल पूछें कि आप प्राइम टाइम में ये क्या कचरा दिखाते हैं, आप क्यों मेरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये सवाल उनके अपने बच्चों को उनसे पूछना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो चुनावी रैलीज में देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं, उनके अपने बच्चों को उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि आप इस तरह के नारे लगाकर इस समाज को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप लोग में से कई लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी पे सवाल क्यों उठा रहा हूं, तो मैं और किससे सवाल उठाऊं भाई। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने तबलीगी जमात वाला मामला था। सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब ने कहा था कि मीडिया ने जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया है वो गलत है, उसने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल किया है। और उसके बाद औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है और तबलीगी जमात पर जितने भी आरोप थे वो उन तमाम आरोप से बरी हो जाते हैं। मगर आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर मोदी सरकार का नुमाइंदा उन न्यूज चैनल्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन न्यूज चैनल्स के काम को सही ठहरा रहे थे, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना की पहली लहर के दौरान न्यूज चैनल्स ने कितना झूठ परोसा है आपके सामने, कितना गंद चलाया आपके सामने, और इसकी ढेरों मिसालें। आज इस कार्यक्रम का मकसद यही आपको बताना कि क्या नफरत का खेल और इसी नफरत के खेल में भाजपा का चुनावी फायदा है, इसलिए चलाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जब ये बातें कह रही है तो उसे बहुत फोकस तरीके से, बहुत ही अपने ऊर्जाओं को केंद्रित रखकर उस मुद्दे पर गौर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चल पिछले 8 सालों से रहा है दोस्तों, जो न्यूज चैनल्स में जहर है। मिसाल मैं आपके सामने एक एक करके देना चाहता हूं, इन लोगों ने तमाम हदों को पार कर दिया। 3 मिसाल मैं आपको पहले दे चुका हूं और भी कुछ मिसालें फिर आपको दूंगा। सबसे पहले आपके सामने जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां पधारे, कई किस्म के जिहाद ये न्यूज चैनल्स में हो रहा था। आगे देखिए दोस्तों, पलायन के लिए पत्थर जिहाद, इस्लाम सिखाता है लव जिहाद का खेल। हर तरफ देखो दोस्तों, धर्म विशेष के खिलाफ समाज के अंदर जहर फैलाने का काम हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा है। आगे देखिए साहब, हिजाब जिहाद बड़ा खुलासा, पता नहीं कौन सा खुलासा किया है। ये तमाम गुल्लू और कालू जो है पत्रकारिता को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी कोई हद नहीं। आगे देखिए, धर्म धर्म की बात है, अरे भाई अपने कर्मों की सोचो, पत्रकारिता की सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ियों की सोचो कि तुम उसे किस तरह से बर्बाद कर रहे हो, कब समझेंगे ये मीडिया के गुल्लू और कालू। आगे देखिए, हिंदुत्व पर वार, मुगलों से प्यार, अरे भाई बख्श दो मुगलों को, मर खप गए वो 300-400 साल पुराने, काहे उन्हें कब्र से निकाल निकाल कर उनकी चर्चा करते हो। आगे देखिए साहब, हिंदू एकजुट तो किसके वोट में फूट। आप देख सकते हैं दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स में यही जहर, यही कचरा, यही तमाम चीजें दिखाई जाती हैं। यह मामला इतना गंभीर है, यह मामला कैंसर से भी बदतर है, क्योंकि कैंसर एक व्यक्ति विशेष को मारता है। यह धीमा जहर, जी हां, इस धीमे जहर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में की थी, यह पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो नफरती डिबेट्स होते हैं, आप इन्हें देखते रहते हैं, उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है और फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है, यू गेट अडिक्टेड टू इट। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बहुत ही वाजिब टिप्पणी है, बहुत ही माकूल टिप्पणी है, मगर अब इस पर एक्शन की जरूरत है। जाते जाते दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले जिस न्यूज चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के एक एंकर ने हजरत साहब के बारे में विवादास्पद बयान दिया था, आप जानते हैं उस चैनल का एक नया संपादक आया है और उसने अपने पूरे डेस्क, पूरे रिसर्च वालों को कहा है कि मुझे हिंदू मुस्लिम शोज चाहिए। क्यों? क्योंकि टीआरपी के पायदान पर वो चैनल सबसे नीचे है, सबसे कचरा है। उनका संपादक आके कहता है कि मुझे जहरीले हिंदू मुस्लिम डिबेट्स चाहिए, और यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह मेरी कल्पना नहीं है, यह मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। इनके दिमाग में यह चलता है दोस्तों, ये लोग यह भी नहीं देखते कि तुम्हारी इस सोच से इस देश की क्या बर्बादी हो गई है। हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं दोस्तों, दे आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये नहीं सुधर सकते, आने वाले दिनों में भी यही कचरा परोसते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।